Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Inspired Economics. दोस्तों आज है 13 अक्टूबर 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर को. दोस्तों विश्वास मानो आज का हिंदू न्यूज़पेपर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी अच्छी अच्छी न्यूज़ आएंगे. मतलब कुछ सेलेक्टिव डेट्स होती हैं जहाँ पे न्यूज़ चैनल के हर एक आर्टिकल बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होता है. दोस्तों आज वही एक न्यूज़ है, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने और सीखने के लिए मिलेंगी, इसलिए वीडियो को टिल एंड तक देखना. और जो मेरे प्यारे भाई बहन अगर इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जिसका नाम इकोनॉमिक्स इजी है. लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लो. फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ फाइल प्लस जो भी हमारे नोट्स होते हैं, चाहे इकोनॉमिक्स के नोट्स हों चाहे इसके नोट्स हों, वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला आर्टिकल, एक्सपर्ट पैनल क्लियर कोवैक्सीन फॉर इमरजेंसी यूज इन 2 to 18 ग्रुप एज ग्रुप. क्या मतलब है इसका? दोस्तों अभी पूरे वर्ल्ड में कोई भी वैक्सीन अभी तक 18 साल से नीचे के बच्चों के लिए नहीं बनाई गई है, लेकिन भारत ऐसी पहली कंट्री बन चुकी है जहां पर उन्होंने कोवैक्सीन को इमरजेंसी ऑथोराइजेशन यूज दे दिया गया. यानी अगर देखा जाए तो हम 2 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को यहां पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम यहां पर कर सकते हैं. और कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी? कोवैक्सीन लगाई जाएगी. तो जो हमारा भारत बायोटेक है उसने ये अपनी रिकमेंडेशन जो है वो DGCI को सबमिट कर दी है, जिसके तहत अभी बस अप्रूवल मिलना थोड़ा सा बाकी है. बाकी अपनी साइड से पूरी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि हाँ आने वाले समय के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बच्चों को जो 18 साल से कम के बच्चे हैं उनको यहाँ पर क्या दे सकते हैं? वैक्सीन दे सकते हैं. और कौन सी वाली देंगे? कोवैक्सीन देंगे. कोविशील्ड नहीं बल्कि कोवैक्सीन की यहाँ पर बात की जा रही है. ठीक है, चलिए अब इसमें मैं आपको थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाता हूँ. यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो ट्रायल्स हैं जो होते हैं ना बच्चों के लिए ट्रायल किया जाता है, वो ट्रायल ऑलरेडी हो चुके हैं जो कि 2 से लेकर 6 साल तक के और 6 से 12 पर और 12 से 18 पर सितंबर मंथ में पूरे कर लिए गए थे. और ट्रायल के अंदर सारी चीज़ें बिल्कुल ओके रिपोर्ट आई है. और अभी ये कहा जा रहा है कि 28 दिन के गैप पे इनको 2 डोजेज दिए हैं, क्योंकि पहले मुद्दा ये भी उठ रहा था कि क्या इनको हम डोज दे सकते हैं. फिर जब ये पता चल गया हाँ हम डोज दे सकते हैं इनको, इनकी बॉडी पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो बात ये उठी कि डोज कितने देने, 1 या 2. तो फाइनल हो गया कि 2 डोज यहाँ पर दे देंगे और दोनों डोज के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका 28 दिन का यहां पर देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, चलिए एक तो ये आर्टिकल हो गया. इसके बाद राइट हैंड साइड पर एक आर्टिकल आ रहा है, रिटेल इन्फ्लेशन फॉल टू 4.35% इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ अप. यहां पर बोली जा रही है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन यानी जो महंगाई की दर है वो गिरती हुई नजर आ रही है और अब फॉल होकर कितनी होगी? 4.35% होगी इंडस्ट्रियल आउटपुट के ऊपर. दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग अभी इस बात को लेकर कमेंट भी कर सकते हैं कि सर ये महंगाई तो दिन पर दिन बढ़ती है, आप देखो ना पेट्रोल महंगा हो गया, LPG सिलेंडर महंगा हो गया. तो दोस्तों वो सारी चीजें कमोडिटीज के आती है, ये जो महंगाई की गई है इंडस्ट्रियल आउटपुट के ऊपर निकाली गई है. और वहां पर हमने देखा कि जो महंगाई का रेट है वो धीरे धीरे क्या हो गया है? फॉल हो गया है. चलो यहां पर सबसे मेन चीज आती है कि आप जानते हो हमारा जो इकोनॉमिक्स है जीएस पेपर में थी, जिसके हम क्लासेस भी लेते हैं रमेश सिंह की सीरीज में, उसमें चैप्टर नंबर 7 मैंने आपको इन्फ्लेशन पढ़ाया था, उसमें बताया भी था इन्फ्लेशन क्या होते हैं और ये क्यों होते हैं. चलिए एक बार हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होती है और इसके होने के क्या क्या रीजन होते हैं. मैंने बकायदा इसके लिए नोट्स भी बना रखे हैं. चलिए तो स्टार्ट करते हैं इन्फ्लेशन. जीएस पेपर नंबर 3 इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का टॉपिक है, कह लो एक चैप्टर नंबर 7 रमेश सिंह का है. तो इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? जब एक गुड्स की कीमत या सर्विसेज की कीमत पिछले साल के कंपैरिजन या पिछले टाइम के कंपैरिजन अगर वो बढ़ जाती है तो हम इसको क्या नाम देते हैं? इन्फ्लेशन का नाम दे देते हैं. इन्फ्लेशन जो होती है वो आपके फूड में भी हो सकती है, क्लोथिंग में भी हो सकती है, हाउसिंग में भी हो सकती है, ट्रांसपोर्ट के अंदर और कंज्यूमर आइटम्स के अंदर, इन सब के अंदर जो महंगाई है वो यहाँ पर देखी जा सकती है. इन्फ्लेशन को अगर हम मेजर करें तो इसके कई तरीके होते हैं इसको मेजर करने के. जैसे आप देख लो CPI होता है, एक WPI होता है. बेसिकली WPI का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, जहाँ पर जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर होलसेलर तक गया है उस बीच उसकी जो कीमत है उसमें कितनी बढ़ोतरी देखने के लिए मिली, इसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स. और यदि हम मैन्युफैक्चरर से लेकर कंज्यूमर तक वो माल कितने का पड़ा, उसमें कितनी वैल्यूएशन होती जा रही है जिसकी कीमत बढ़ती जा रही है, उसको बोलते हैं CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. ये हमारे पास 2 सूचकांक होते हैं इसको निकालने के. ना तो पॉइंट इसके इन्फ्लेशन होने के क्या कारण होते हैं, तो हमारे पास इसके 3 रीजंस होते हैं. चलो मैं आपको इसको ना एक फोटोग्राफ से समझाता हूं, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि वो 3 रीजन हमारे पास क्या होते हैं. चलिए देखिए वो 3 रीजन यहाँ पर होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और बिल्ड इन इन्फ्लेशन. देखो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब सडनली लोगों की जेब में पैसा ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करते हैं? डिमांड दबा के करते हैं. और जब सिचुएशन ऐसी होती है कि हमारे पास चीज़ की कमी हो यानी सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो, तो ऑब्वियस ही बात है जो सप्लायर है वो क्या करेगा? उन चीज़ों की कीमतें बढ़ा देगा, क्योंकि उसे पता है उसका माल बिक जाएगा, क्योंकि माल 10 यूनिट है, खरीदने वाले 100 लोग हैं यानी डिमांड ज़्यादा है. तो ऐसे में अल्टीमेटली क्या होंगे? प्राइस बढ़ने शुरू हो जाएंगे. और इसके पीछे का रीज़न होता है डिमांड का बढ़ना, जिसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन. लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है तभी वो ऐसा काम करते हैं. दूसरा है आपका
कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग है, जो माल को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, वही पीछे से महंगा आने लगता है। तो ऑब्वियसली बात है, जब उसे आप फिनिश गुड्स बनाओगे तो भी वो महंगा ही बन पाएगा। तो जब फिनिश गुड्स महंगा बनेगा तो क्या होगा कि अल्टीमेटली जो माल बिकेगा वो महंगा बिकेगा और इन्फ्लेशन का असर उस पर नजर आना लगेगा, जिसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यानी कि जो इंग्रीडियंट्स होते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है, अगर यही हमारे पास महंगे हो जाए तो उससे जो महंगाई होती है उसको क्या नाम देते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। फिर होता है बिल्ड इन इन्फ्लेशन, इसका मतलब क्या होता है, कई सारे एक्सपर्ट्स ऐसा बोलते हैं कि जो लोग होते हैं जब वो कई सालों तक काम करते हैं तो वो अपने एम्प्लॉयर से बोलते हैं सर हमारी सैलरी को इंक्रीज करो, सर हमारी वेजेस को इंक्रीज करो, क्योंकि इतने सारे दिन हो गए, इतने साले हो गए हमें काम करते हुए, तो हमारी सैलरीज बढ़ाओ। तो ऑब्वियसली बात है, जब सैलरीज बढ़ेंगी तो जो कंपनीज या जो मैन्युफैक्चरर है उनके यहाँ पर काम करने की लेबर जब महंगी हो जाएगी तो अल्टीमेटली उसकी रिकवरी के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो क्या करेगा, कीमतों को बढ़ाना शुरू कर देगा। तो ये हमारे पास बेसिकली तीन रीजन होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और बिल्ड इन इन्फ्लेशन। तो देखा ये जा रहा है, जो आर्टिकल हमसे कह रहा था, आर्टिकल तो सिर्फ नॉर्मल सी बात ही कह रहा था कि इंडस्ट्रियल आउटपुट के ऊपर अब हमने क्या देखा है, फॉल देखा है 4.35% का इन्फ्लेशन। बट मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया इन्फ्लेशन क्या होता है, इसके कौन कौन से सीपीआई डब्ल्यूपीआई क्या होता है और कितने टाइप से जो इन्फ्लेशन है वो अकर होती है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। इसके बाद अगर हम यहां पर आगे चले तो यहां पर आ रही है मोदी फॉर ह्यूमैनिटेरियन हेल्प टू अफगानिस्तान। देखो आपको मैं एक बात बताता हूँ, अभी जितने भी इंटरनेशनल सबमिट्स होते हैं या जितने भी इंटरनेशनल मीटिंग्स होते हैं, आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी, सब जगह अफगानिस्तान की चर्चा हो रही है कि अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों को, खासतौर पर महिलाओं को के साथ जो वहाँ पर उनके राइट्स का उल्लंघन किया जा रहा है, यानी उनके राइट्स को दबाया जा रहा है, चाहे वो बाहर ना निकल पाए, नकाब पहन के निकलना हो, जॉब नहीं कर सकते हैं, यानी उनके राइट्स का वॉयलेशन यहाँ पर किया जा रहा है। तो बहुत सारी जो डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस है वो उनकी हेल्प के लिए उतरना चाहती है। यहाँ पर मोदी जी का ये कहना है कि अफगानिस्तान के हम अपने लेवल पर जितनी हो सकेगी यहाँ पर हम हेल्प करेंगे। तो ये सारी बातें कहां पर हुई, ये सारी बातें G20 की मीटिंग्स के अंदर हुई। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मीटिंग अभी रिसेंटली हुई, जिसके अंदर क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन जनरल रेजोल्यूशन और जो G20 की मीटिंग्स में बैठने वाले लीडर्स हैं, उन सबने ही डिसाइड किया है कि हम अपने अपने लेवल पे अफगानिस्तान में जितनी भी क्राइसिस चल रही हैं, जितनी भी दिक्कतें चल रही हैं, उनको अपने लेवल पे हम यहां पर दूर करें। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि G20, G7 और G8 क्या होता है, मैं ऑलरेडी कई बार आपसे डिस्कस कर चुका हूं। G7 के अंदर ग्रुप ऑफ 7 नेशंस आता है, जिसमें आपकी जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली और जापान आता है। ये कभी किसी टाइम पर G8 कंट्री हुआ करती थी, जिसमें रशिया भी शामिल होती थी, लेकिन अभी रिसेंटली 2014 के अंदर रशिया को यहां से बाहर निकाल दिया गया, बिकॉज रशिया ने क्रीमिया के ऊपर अपना अनवांटेड कब्जा कर लिया था, जबकि उसे नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे में उसको पेनलाइज करने के लिए हमने वो G8 से उसको निकाल दिया। लेकिन G20 के अंदर रशिया शामिल है। G20 में और कौन सी कंट्री आती है, टर्की आ जाता है, यूरोपियन यूनियन, अल्गेरिया, ब्राजील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका। तो ये टोटल 20 नेशन हो गए। दोस्तों याद रखना, जितना आप कमेंट में चीज़ों को लिखोगे उतनी चीज़ आपको याद हो जाएंगी। तो मेरा क्वेश्चन बस आपसे ये कि मुझे आप बताना कि G20 में कौन कौन से नेशंस आते हैं, भले ही देख कर लिखो, नो डाउट अगर आप देख के टाइप करके खुद लिखो तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको अपने आप याद हो जाएगा। मैं रिपीट कर दूँ, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएसए, इटली, जापान, रशिया, टर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका। ये हमारी G20 है और इसकी जो सम्मेलन यानी जो समिट हुई थी उसके अंदर सभी कंट्रियों ने ये बोला है कि हम अपने अपने लेवल पर अफगानिस्तान की क्या करेंगे, यहाँ पर मदद करेंगे ताकि वहाँ पर गवर्नमेंट को इस्टैब्लिश किया जा सके और वहाँ के लोगों के राइट्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके बाद और अगर हम आगे चलें तो ये था फर्स्ट पेज। ठीक है, इसमें इतना ही आपको पढ़ना है, यही हमारे लिए काम की चीज़ है। इसके बाद सेकंड पेज पूरा पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। इवन थर्ड न्यूज़ भी हमारा पूरा पॉलिटिकल है, लेकिन इसमें एक छोटी सी न्यूज़ ही आ रही है कि आप जानते हो कि अभी हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर पराली को जलाने के लिए ना जलाए जाए, इस वजह से बायोलॉजिकल केमिकल्स यूज़ किए जाएंगे, कैप्सूल्स यूज़ किए जाएंगे, जिनसे क्या होगा कि जो फसल है उसको डिकम्पोज किया जाएगा। लेकिन फिर भी अभी ऐसा देखा गया कि इसके बावजूद भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर दिल्ली के नियर बाई जो इलाके हैं वहां पर पराली जो है दबा के जलाई जा रही है, जिसको लेकर बोला गया कि जब हमने ऑलरेडी लॉ बना दिया तो आप ऐसा क्यों करें, क्योंकि इससे क्या होता है ना, एयर पोल्यूशन बढ़ना शुरू हो जाता है। इस बात को लेकर हमारे अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत अच्छी पहल चलाई है। पहले तो याद होगा ना कि उन्होंने ऑड इवन सोल्यूशन चलाया था, बट वो पिछले साल तक कारगर साबित रहा, इससे कई सारे लोगों को दिक्कत होनी शुरू होगी। तो इसके लिए दूसरा तरीका निकाला भी अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने कहा कि आने वाले समय के अंदर, जैसे जो अब समय आ रहा है उसके अंदर क्या करो, हफ्ते का एक दिन जो है आप अपना व्हीकल मत ले जाओ, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल का यूज करो। आप सोच के देखो ना, एक कार पे एक व्यक्ति जा रहा है, दो जा रहे हैं, कितनी बड़ी रोड को वो घेर रहा है जिससे ट्रैफिक जाम हो रहा है, उससे बड़ी बात पॉल्यूशन हो रहा है। अगर वही लोग मेट्रो के अंदर जाएंगे, वही लोग बसेस के अंदर जाएंगे, तो जितना बस खाली चलेगी तो भी पॉल्यूशन होता आएगा, बस भर के चलेगी या मेट्रो भर के चलेगी तो भी पॉल्यूशन होता होना है। तो कोशिश करो कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो, जिससे आपकी लाइफ को भी रिस्क नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो एक्सीडेंटल केस है वो सबसे कम देखे जाते हैं, पर्सनल व्हीकल में एक्सीडेंटल केस भी ज्यादा देखे जाते हैं। और उससे बड़ी बात
यहाँ पर पॉल्यूशन को प्रोटेक्ट किया जा सके। दोस्तों मैं आप लोगों से ही बोलूंगा कि अगर आप लोगों के पास अपना पर्सनल व्हीकल है तो अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा जरूरत है तो ही उसका यूज़ करो, वरना आपकी कॉस्टिंग भी कमाती है ट्रांसपोर्ट भी। अगर हम पब्लिक व्हीकल का यूज़ करें तो पर्सनल व्हीकल को थोड़ा सा अवॉइड करो, एक्सीडेंटल से भी बचोगे और हमारे देश में पॉल्यूशन लेवल भी कम होगा और ट्रैफिक में भी यहाँ पर थोड़ी सी राहत देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अक्टूबर के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा चलाई जाती है, सॉरी दिल्ली के अंदर ये चीज़ ज़्यादा चलाई जाती है, बिकॉज दिल्ली में पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक जैम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसको लेकर केजरीवाल हर बार जब भी सर्दी आने के लिए होते हैं कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर बनाते ही रहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूँ, कुछ समय से मैं देख रहा हूँ एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भारत का गिरता ही जा रहा है, खासतौर पर दिल्ली का AQI जो है अभी तो मॉडरेट लेवल पर है, लेकिन जैसे जैसे दिवाली नियर आ रही है ये जो है डेंजर लेवल की ओर जाने लगा है। दोस्तों आप लोग मुझे बताओगे कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के 6 पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें आपका ग्रीन कलर आता है, येलो कलर आता है, उसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं लाइक 0 से 50, 50 से 100, 100 से 200, मुझे आप बताओगे वो 6 पैरामीटर कौन कौन से और कौन सा सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है हमारे लिए, ठीक है, हमारी हेल्थ के लिए। इसके बाद यहाँ पर और आगे चले तो यहाँ पर और कुछ नहीं, यहाँ पर डेंगू को लेकर बात चली कि डेंगू का जो प्रकोप है वो भारत में बढ़ता ही जा रहा है, जिसके से कई सारे केसेस डेंगू के देखे जा रहे हैं और लगभग 18 डेथ को हमने अभी तक रिपोर्ट कर ली कि 18 डेथ जो है वो डेंगू से यहाँ पर हुई है। आप मुझे बताओगे कमेंट के अंदर कि वो कौन सी फीमेल मॉस्किटो है जिसके चलते डेंगू या मलेरिया जैसी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं, उस मॉस्किटो का क्या नाम है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पर इसमें भी कोई खास अभी न्यूज़ नहीं है, ठीक है, आते हैं एडिटोरियल सेक्शन पे। एडिटोरियल सेक्शन के अंदर आ रहे हैं, सबसे पहली चीज़ आ रही है टेकिंग अ लिड ऑफ इलिटरेट फाइनेंशियल फ्लोस। अभी क्या बात कर रहे हैं दोस्तों, आपको बताऊंगा अभी पनामा पेपर, पेंडोरा पेपर, इन सबको लेकर बातचीत चल रही है। दोस्तों तीन टाइप के पेपर्स होते हैं, मैं एक एक करके सारी बातें डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पेंडोरा पेपर्स को लेकर, कि क्योंकि अभी आप जानते हो पेंडोरा पेपर्स में कई सारे इंडियंस लोगों का यहाँ पर नाम लिया गया है। तो बेसिकली पेंडोरा पेपर्स होता क्या है मैं आपको एक चार्ट के थ्रू समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर आप पेंडोरा पेपर्स पर ध्यान दीजिए, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो ये बोलती है कि हमारे यहाँ पर जो टैक्स का रेट है वो बहुत कम है या हम टैक्स लेते ही नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, जिन कंट्रियों में टैक्स का रेट सबसे ज़्यादा होता है वो कंट्री इनकरेज होती है ऐसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या ऐसी कंट्रियों में पैसा डिप्लॉय करने के लिए जहाँ पर इनकम टैक्स का रेट बहुत कम होता है या इनकम टैक्स का रेट होता ही नहीं है। ऐसी कंट्री को हम बोलते हैं टैक्स हेवन कंट्री। हेवन मतलब ये वो कंट्रीज है जहाँ पर टैक्स का रेट या तो लगता ही नहीं है, लगता है तो बहुत नॉमिनल 5%, 2%, 3% ऐसे लगता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे जैसे हांगकांग हो गया, सिंगापुर हो गया, क्रिप्सस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ब्रिटिश वर्जन आइसलैंड हो गया, पनामा हो गया, ये सारी जो कंट्रीज है ये बेसिकली क्या बोलती है, आप हमारी कंट्री में आओ, पैसा लगाओ, हम आप पे 1% भी टैक्स नहीं लेंगे और लेंगे तो बहुत नॉमिनल सा रेट लेंगे। तो इसमें कई सारे इंडियंस होते हैं जो ये सोचते हैं कि जैसे आप जानते हैं इनकम टैक्स में स्लैब रेट्स होते हैं, 2.5 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं होता, 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% होता है, 5 से 10 लाख पे 20% होता है और 10 लाख से ऊपर होते हैं 30% होता है। तो सोचो जितने भी अमीर ज़्यादा इनकी तो इनकम 10 लाख से ज़्यादा होती होगी, तो इनकी 10 लाख पे सीधा 30% टैक्स लगता है, यानी अगर आप 1 करोड़ कमाओगे तो 30 लाख सीधा आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके बावजूद भी आपको हायर एजुकेशन से 4% चार्जेस भी देना पड़ता है अलग अलग रेट से। कुल मिला के आप ऐसे समझो कि 1 करोड़ की अगर आप इनकम कमाते हो तो लगभग उसमें से आपको 33 या 34 लाख रुपए गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में आपको देने पड़ जाते हैं। तो हर बंदा सोचता है यार इतना मोटा अमाउंट क्यों टैक्स में दे, एक काम करते हैं एक फर्जी कंपनी हम इन कंट्रीज में खोल लेते हैं और जब फर्जी कंपनी खोलेंगे तो सारा जो पैसा है वो हम वहां पर डिप्लॉय कर देंगे और जब उस कंट्री में पैसा जाएगा तो वहां तो इनकम टैक्स है ही नहीं या है तो बड़ा नॉमिनल है, वहां पर इनकम टैक्स देके हम आराम से अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लेंगे। दोस्तों यहां पर ये जो आप पनामा देख पा रहे हो ना, ये पनामा जो शहर है, इस पनामा शहर के अंदर कई सारी जो अनवांटेड कंपनीज हैं जिसको बोलते हैं कि नाम की कंपनी है सिर्फ, वो हमारे कई सारे इंडियंस और कई सारे ब्रिटिशर्स लोगों के द्वारा यहाँ पर खोली गई। लेकिन क्या हुआ, पनामा के अंदर कई सारे जर्नलिस्ट थे, कई सारे न्यूज एंकर से, न्यूज चैनल से, इन्होंने इस पर पूरी बाकायदा रिसर्च किया और पता लगाया कि इनके पेपर को लीक कर दिया। उस पेपर को लीक करके पता चला कि भाई साहब कई सारे ऐसे इंडियंस, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पनामा के अंदर अपनी क्या किए हुए इन्वेस्टमेंट्स किए हुए। आप समझ जाओ पनामा इन्वेस्टमेंट का मतलब ही क्या है, 2 नंबर की कमाई को यहाँ पर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कन्वर्ट करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो देखो इसकी एक एक चीज़ को पढ़ो, जो पेंडोरा पेपर है, ठीक है, पेंडोरा पेपर जो है ये अक्टूबर के 3 तारीख को अनाउंस किए गए थे और ये इलीगल कई सारे इसमें रिच पीपल यहाँ पर पकड़े गए हैं, ठीक है, उनके नाम आए हैं। अगर हम इसमें देखें तो ये क्या करते हैं, इनकम टैक्स के लूप होल्स को निकाल के ये इस टाइप के टैक्स इविजन यानी टैक्स की चोरी करने के तरीके ढूंढते हैं जिनसे टैक्स को यहाँ पर बचाया जा सके। अगर हम इस डेटा की बात करें तो अराउंड 330 पॉलिटिशियन और 130 बिलियनर्स यहाँ पर पकड़े हैं, जिनमें कई सारे तो सेलिब्रिटी हैं जो बड़ी बड़ी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं या जो लीडर्स हैं या रिलीजियस ट्रस्ट से वो क्या करते हैं बिलोंग करते हैं। अगर हम बात करें क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पनामा पेपर या पेंडोरा पेपर लीक हुए, नहीं दोस्तों, इससे पहले भी कई सारे पेपर लीक्स होते
चुके हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर 2017 के अंदर पैराडाइज पेपर जो है वो लीक हुआ था, 2016 के अंदर पनामा पेपर लीक हुआ और 2021 के अंदर पेंडोरा पेपर लीक हुआ। दोस्तों ये तीन पेपर याद करो, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी लोग से, ईयर के साथ साथ याद करो, ये आपके वन डे एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2016 के अंदर पनामा पेपर्स, 2017 के अंदर पैराडाइज पेपर और 2021 के अंदर पेंडोरा पेपर्स, ये तीन पेपर्स यहाँ पर पकड़े गए हैं जिनमें अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट्स देखी गई और ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए फेक कंपनियाँ खोली जाती हैं जिनका कोई अस्तित्व यहाँ पर नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें अपने पास, तो ऐसे कई सारे जो पेपर्स हैं वो हर साल लीक किए जाते हैं किसी न किसी तरीके से, सोर्सेज से। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगाते हुए ये बोला गया कि इस टाइप के जो लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि आगे टैक्स हेवन कंट्रीज में क्यों पैसा लगाते हैं। तो ऑब्वियस बात है, सबको पता है क्योंकि वहाँ पर टैक्स की रेट कम है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स से लूप होल का जो मिसयूज़ हो रहा है इसको और ज़्यादा बनाने की यहाँ पर बातचीत की जा रही है। इसके अंदर क्या है, कई सारे फॉर्मर सेलिब्रिटीज स्पोर्ट्समैन, जैसे अभी नाम जो आ रहा है वो सचिन तेंदुलकर का इसमें नाम आ रहा है कि वो हो सकते हैं, पाकिस्तानी कई सारे क्रिकेटर्स हैं जिनका नाम इसमें यूज किया जा रहा है। इवन ये तो छोड़ो, प्रेसिडेंट की भी बात की गई यहाँ पर। ये देखो, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, कीनिया के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ग्रीस रिपब्लिक के और ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर और रशियन प्रेसिडेंट, ये सब इसमें पकड़े गए, मतलब पकड़े गए, मतलब इनके नाम इसके अंदर दर्ज किए गए। अभी तो इनके खिलाफ कोई केस वगैरह नहीं हुआ, बट हाँ उनके नाम जो है वो यहाँ पर लीक हुए। दोस्तों ये एक देश के लिए बहुत शर्म की बात है कि उस देश का इंसान अपने देश में रहने वाले गवर्नमेंट को टैक्स ना देकर दूसरे देश में कम टैक्स के चलते वो अपना पैसा वहाँ से ट्रांसफर कर देता है। इससे क्या होता है, इकॉनमी हमारी इंडिया की डाउन जाती है, मतलब जिस देश का भी व्यक्ति करता है वो अपनी देश की इकॉनमी को डाउन करने में सबसे बड़ा हाथ यहाँ पर दे रहा है। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इस बात को लेकर मेरी सरकार से गुजारिश है, मतलब मेरी क्या, मतलब हर देश की बच्चे की गुजारिश है कि आप अपने इनकम टैक्स के लूप होल्स को प्लीज़ सुधारो, नहीं तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। जो पैसा गवर्नमेंट की जेब में आना चाहिए, जो टैक्स के रूप में पब्लिक पर खर्च होना चाहिए, वो पैसा दूसरी कंट्री के अंदर चला जाएगा और हमारे देशवासियों का हक यहाँ से मारा जाएगा। ये बात यहाँ पर की गई है, ये अरुण कुमार सर है, इन्होंने बहुत अच्छे से आर्टिकल लिखा है। दोस्तों मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा इस आर्टिकल में, ये जितने मैंने हाईलाइट किए येलो कलर से, इस हाईलाइट चीज़ को तो पूरा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और जो हाईलाइट नहीं है उसको भी पढ़ेंगे, बट हाईलाइट वाली चीज़ पर ज़्यादा फोकस करोगे और ये पूरा आर्टिकल के एक एक लाइन पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इसके बाद है जैबिंग चिल्ड्रन। दोस्तों अभी जैसा मैंने बताया, कोवैक्सीन को अप्रूवल जो है वो मिल गया है कि वो चिल्ड्रंस के जो एज ग्रुप 2 से 18 साल है, या तो जो न्यू बॉर्न बेबी है और 2 साल तक से कम की एज है, उसको ये वैक्सीन यहाँ पर नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी इतने विटामिंस वगैरह होते हैं और वैसे भी उसकी जो डिपेंडेंसी होती है वो मदर मिल्क पर ज़्यादा होती है, तो माँ के दूध से भी उसका काम चल सकता है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वैक्सीनेशन की डोज यहाँ पर दी जा सकती है, जो कि बताओ कौन से, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड नहीं, गलती मत कर देना ये चीज़, ठीक है। और ये चीज़ हमारी DGCI को रिपोर्ट सबमिट कर दी गई, अब देखते हैं DGCI कितनी जल्दी इस पर अप्रूवल दे देगा। जैसी DGCI अप्रूवल दे देगा फिर हम इसको पब्लिक यूज़ के अंदर ला सकते हैं। अच्छा, DGCI की फुल फॉर्म होती है ड्रग्स कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया, बेसिकली लास्ट में यही अपनी क्या देती है, अपनी मंजूरी देती है। तो ये दो आर्टिकल हो गए, इसका तीसरा आर्टिकल है डू नॉट ब्रीथ इजी ऑन द सिलिकॉन प्रिवेंशन पॉलिसी। अभी क्या है सिलिकॉन सिलिकॉसिस, अभी क्या होता है कि जैसे कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर क्या है माइनिंग की जाती है, तो माइनिंग में क्या होती है डस्ट पार्टिकल उड़ते हैं, जैसे पर्टिकुलर मैटर होते हैं धूल के छोटे छोटे कण होते हैं, तो क्या होता है जब आप इसको इनहेल करते हो सांस लेते हो तो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर ये घुस जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, जिससे आपको लंग्स में कई सारी टाइप की डिजीज होनी शुरू हो जाती है। तुरंत नहीं पता चलती लेकिन ओवर द टाइम पीरियड आपको क्या महसूस होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, आपके लंग्स में लंग्स यानी फेफड़े आपके सड़ने लग जाते हैं, सडनली लंग्स में छेद होने शुरू हो जाते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, इनको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर बातचीत की जा रही है। चलो मैंने इस पर कुछ बेसिकली बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं नोट्स में, मैं आपको नोट्स में से पढ़ाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ये रहा सिलिकोसिस, मीनिंग माइनिंग सेफ्टी, आपकी जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ का पॉइंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कहा जा रहा है जैसे सैंड स्टोन होती है, जैसे आप नहीं देखते घर में जैसे हम टाइल्स बिछाते हैं तो जो टाइल की मैन्युफैक्चरिंग होती है, इवन जो पत्थर बिछाते हैं तो पत्थर की कहीं ना कहीं कटाई वगैरह तो होती होगी ना, उसको तराशा तो जाता होगा, तो उससे क्या होता है डस्ट के पार्टिकल उड़ते ही रहते हैं पूरे टाइम, और जो लोग वहाँ पर काम करते हैं उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर वो डस्ट बार बार जाती रहती है। बेसिकली ये सबसे ज़्यादा जो सैंड स्टोन है वो काम देखा जाता है राजस्थान के अंदर, जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा काम यहाँ पर किया जाता है। अब इससे क्या होता है कि जो इससे जो डस्ट पार्टिकल उड़ते हैं उस डस्ट पार्टिकल को बोलते हैं सिलिकोसिस, क्या बोलते हैं सिलिकोसिस, जो कि माइनिंग करते टाइम यहां पर निकलती है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कई सारी प्रॉब्लम होने यहां पर शुरू हो जाते हैं। अब इससे क्या होता है हेल्थ इशू आता है, लंग में डिजीज होने शुरू हो जाते हैं और कई लॉन्ग टाइम के लिए बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें ये आपको कर सकते हैं, जैसे सांस लेने में आपको दिक्कत हो सकती है, कफ बन सकता है, फीवर आ सकता है, ब्लूइश स्किन हो सकती है आपकी, जैसे नीला साव जिसे नहीं बोलते वो पड़ने शुरू हो जाते हैं। अब बेसिकली इसका साइंटिफिक नेम अगर हम बात करें
दोस्तों SiO2 इसका साइंटिफिक नेम है। दोस्तों साइंटिफिक नेम याद रखना, MCQ के तौर पे साइंटिफिक नेम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये आपकी जो चीज़ें होती है आपकी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनको डैमेज कर, खासतौर पर ये लंग्स को ज़्यादा डैमेज करता है। दोस्तों ऐसा देखा गया है रिपोर्ट के अंदर कि 20 साल तक एक बंदा वहाँ पर काम कर रहा था, जब उसके चेस्ट का एक्सरे कराया गया तो पता चला उसके लंग्स पूरी तरीके से गल चुके हैं, वो कुछ दिनों का ही मेहमान बचा हुआ था। और अगर हम देखें इंडिया के अंदर लगभग 10 मिलियन वर्कर्स हैं जो इस टाइप के काम करते हैं और वो एक बहुत बड़े रिस्क के अंदर है। भाई साहब 10 मिलियन का मतलब समझते हो कितना हुआ, 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ एम्प्लॉय इस तरीके से इस माइनिंग में काम करते हैं जिसकी वजह से उनकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। दोस्तों सबसे ज़्यादा इस चीज़ को देखा जाता है गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर, पुडुचेरी के अंदर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादातर जो माइनिंग होता है या जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होते हैं उनमें इंगेज होते हैं। इस वजह से ये जो बीमारी सबसे ज़्यादा इनके अंदर देखी जाती है। इसी वजह से फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर ये बात मैंडेटरी कर दी गई है कि कोई भी ऐसा काम जहाँ पर ओवरक्राउडिंग हो रही हो या फिर बहुत ज़्यादा धूल के कण उड़ रहे हो तो उनके लिए साइंटिफिक मेजर लेने ज़रूरी होता है। जैसे छिड़काव करते रहो पानी का प्रॉपर, जिसके वजह से जो डस्ट उड़ रही है उसको कहीं ना कहीं प्रिवेंट किया जा सके। तो ये हमारे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में लिखा है कि जहाँ जहाँ इस टाइप की माइनिंग एक्टिविटीज़ होगी तो उनमें हमेशा हमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हेल्थ का खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर कोई फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करी और ऐसे पकड़ी जाती है तो उसके खिलाफ मोटा चालान यहाँ पर किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको दो एक्ट याद रखने हैं, एक तो माइनिंग एक्ट 1952 है और एक आपका फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है जिसके तहत ये सारे काम यहाँ पर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल उसी पर बेस्ड है कि इस तरह से अगर काम होता रहेगा तो भाई साहब 1 करोड़ एम्प्लॉयज़ को कहीं ना कहीं लंग्स डिजीज होगी जिसकी वजह से उनकी फैमिली सफ़र करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट वैसे भी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई, उनके बच्चों के अगर फादर की डेथ हो जाती है तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आप देख के चलो इसको पूरे एग्जाम इकॉनमी के प्रोस्पेक्टिव से सोचो, ये बहुत बड़ी एक चिंता की बात है। दोस्तों अगर ये आर्टिकल ना लिखा जाए, ये एडिटोरियल ना लिखा जाए, ये ऑथर्स ना लिखे तो इस पर कभी हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। आपने एक चीज़ नोटिस की, लगातार न्यूज़ चैनल्स के अंदर, लगातार न्यूज़पेपर्स के अंदर एक ही चीज़ आ रही है, दैट इज़ एनवायरमेंट पॉल्यूशन। दोस्तों हम लोगों ने अपनी कंस्ट्रक्शन मैन मेड इतनी एक्टिविटी की है जिससे कहीं ना कहीं हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, अब एनवायरमेंट हमको पॉल्यूट कर रहा है। तो अब हमें समझ आ गई कि एनवायरमेंट हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है आज की डेट के अंदर। तो दोस्तों अपने लेवल पर कोशिश क्या करो कि एनवायरमेंट को जितना कम पोल्यूट कर पाओ उतना कम पोल्यूट आप यहां पर करो। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर IS तालिबानी को लेकर बात की गई। अभी आपको बताइए कुछ टाइम पहले एक बम धमाके हुए थे जिसके अंदर 50 लोगों की डेथ होगी, जिसमें अफगानिस्तान के कई सारे जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को बोला कि ये चीज़ें हमने करवाई हैं। तो आप जानते हैं तालिबान के अंदर इस टाइम बहुत डिसबैलेंस चल रही है, इकॉनमी, पॉलिटिकल, हर तरीके से जो है चीज़ें नेगेटिव ही जा रही है। मैं अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँ तालिबान को लेकर क्योंकि बहुत क्लासेस के अंदर हमने इसके बारे में ज़्यादा ही ज़्यादा डिस्कस किया है। अब यहाँ पर एक बात आ रही है, द सेंशन कूड ओवर इंडिया US टाइज। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको पता होगा एक मिसाइल है जिसका नाम है S-400, आप इसकी फोटोग्राफ देख सकते हैं। ये S-400 हम रशिया से बाय कर रहे हैं और जब हम रशिया से ये बाय करने जा रहे थे तो अमेरिका ने बोला कि अगर आपने ये रशिया से बाय कर लिया तो हम आपके ऊपर बहुत सारे सेंशंस लगा देंगे और इन सेंशन को बोलते हैं CATSA, CAATSA, मैं रिपीट कर रहा हूँ, CATSA, CAATSA, इसको बोलते हैं काउंटर अमेरिकन एडवर्टाइजरीज थ्रू सेंशन एक्ट। अब बेसिकली ये एक्ट क्या है, पहले मेरी बात को ना बेस से सुना, आपको बेसिक पता होनी चाहिए तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। देखो अमेरिका की 3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनसे नहीं पड़ती है, रशिया, UK और आपका नॉर्थ कोरिया। ये 3 कंट्रीज़ ऐसे जिनसे अमेरिका की बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, मतलब कह लो कि ये उनके अलायंस कंट्री है। तो ये कहती है अमेरिका कि अगर किसी भी कंट्री ने इन 3 कंट्री के साथ कोई एग्रीमेंट किया, वो भी खास तौर पर डिफेंस आइटम का अगर एग्रीमेंट किया, तो ऐसे केस के अंदर हम उस कंट्री पे जो उसको बाय कर रही है उस कंट्री के ऊपर कई सारे सेंशंस लगा देंगे। अब वो सेंशन इस तरीके से होगा कि अमेरिका उनकी कभी हेल्प नहीं करेगी, अमेरिका वाले उनसे कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करेंगे और अमेरिका की जितनी ऑर्गेनाइजेशन जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो, क्योंकि अमेरिका में बनाई गई थी, तो ऐसी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें US उसका मेंबर है, वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको कोई लोन नहीं देंगी, चाहे वो लॉन्ग टर्म का हो या शॉर्ट टर्म का हो। तो अल्टीमेटली वो कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर आपने इन 3 कंट्रीज़ के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक नहीं बल्कि कोई ट्रेड रिलेशन बनाए, खासतौर पर डिफेंस के आइटम अगर आपने इनसे खरीदे हैं, तो ऐसे केस में हम उस कंट्री के ऊपर क्या लगा देंगे, सेंशंस लगा देंगे, मतलब अमेरिका उससे बिल्कुल नाता तोड़ लेगी। अब क्योंकि इंडिया जो है वो ये S-400 इनसे बाय कर रहा है रशिया से, तो अब अमेरिका ने धमकी दी इंडिया वालों को कि अगर आपने ये बाइक कर लिया तो याद रखना हम ऐसे केस में आप पर क्या लगा दें, CATSA एक्ट के सेंशंस यहां पर लगा देंगे। तो इंडिया वालों ने कहा कोई बात नहीं, आप लगा लो जो लगाना है, लेकिन हमें क्योंकि खरीदना है। पता है क्या होता है, अमेरिका वालों को लगता है कि हमसे ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी किसके पास है, रशिया के पास है डिफेंस के मामले में। अब अगर रशिया के साथ अगर मान लो सब लोग एग्रीमेंट कर लेंगे तो भाई साहब हर व्यक्ति के पास, हर कंट्री के पास अच्छे वेपन्स होंगे और अमेरिका अपना दबदबा बनाना चाहता है, तो इस वजह से अमेरिका हर उस व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट करने से मना कर देती जो अमेरिका से ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट बेचता है। लेकिन इंडिया वाले भी कंपनी, इंडिया वाले कहते कोई बात नहीं यार तुम लगा लो सेंशन।
ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, अमेरिका नहीं तो किसी और से ट्रेड कर लेंगे। हाँ माना कि थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप लगा लो, उससे कहीं अच्छा तुम्हारा डिफेंस सिस्टम इंप्रूव हो रहा है ना। अगर S-400 जैसी चीज़ें, अगर इतनी एडवांस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अगर हमारे नेवी और भारतीय सेना के पास आ जाएगी, तो इससे बेहतर बात क्या होगी। चलिए अब मैं आपको नोट्स में से बताता हूँ इसके बारे में पूरी डिटेल। ये काट्सा एक्ट क्या है बेसिकली? तो काट्सा क्या है, ये US के द्वारा लगाए एक एक्ट है जिसकी फुल फॉर्म थी काउंटरिंग अमेरिका एडवर्टाइजरीज थ्रू सेंशन एक्ट। अब इसका मेन एम क्या है कि रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको UK बोल दिया, आई एम रियली सॉरी दोस्तों, आई एम रियली सॉरी, ईरान होगा, प्लीज इसको रेक्टिफाई कर लो, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया, वो फ्लो में UK निकल गया, ईरान बोलना चाहिए था मुझे, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया, अगर इन तीन कंट्री से अगर आप कोई एडवर्टाइजमेंट कोई भी आप डील करते हो डिफेंस आइटम का, बाकी चीज़ों का कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप डिफेंस डील करते हो तो ऐसे केस में अमेरिका वाले उस पर क्या लगा देंगे, काट्सा एक्ट लगा देंगे। अभी एक्ट क्या बोलता है कि जैसे मान लो रशिया की ऑयल गैस इंडस्ट्रीज हो गई या डिफेंस सिक्योरिटीज हो गया, इस टाइप से अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया है तो आप पर क्या लगा दिया जाएगा, सेंशन यहाँ पर लगा दिया जाएगा। अभी सेंशन में क्या चीज़ होती है बेसिकली कि आपसे कोई जो US के लोग हैं वो आपसे डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ देंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट खत्म हो जाएगा, और US जिन जगहों पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन IMF, वर्ल्ड बैंक और जितने ऑर्गेनाइजेशन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन सब से लोन लेना आपके लिए मुश्किल पड़ जाएगा। तो ये सारे सेंशन यहाँ पर अमेरिका के द्वारा लगाने की बात बोली जा रही भारत के ऊपर, लेकिन भारत ने भी कहा चलो कोई बात नहीं तुम लगा लो यार जो लगाना हो। इसके बाद बात करते हैं फ्री पावर एट अ बिग प्राइस। अब यहाँ पर बात क्या चल रही है, जैसे आप जानते हो कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला था कि भाई साहब अगर आप आम आदमी पार्टी की सरकार लाओगे तो ऐसे में हम आपके लिए बिजली फ्री कर देंगे 200 यूनिट तक। तो अब क्योंकि देखो अभी तक तो ये मुद्दे में कोई बात नहीं उठ रही थी, सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन जब से आप जानते हैं कि कोयले की कमी भारत में, भारत क्या वर्ल्ड के अंदर इवन चाइना तक के अंदर कोयले की कमी देखने को मिल रही है, अब उसका खामियाजा भारत को भी भुगतना पड़ रहा है। तो जब से कोयले की कमी हो गई तब से क्या हो गया कि बिजली का उत्पादन पहले के मुकाबले हमारा कम हो गया है, ऊपर से अभी सोलर अलायंस हमारा इतना ज़्यादा काम भी नहीं कर रहा, वो कुछ सेलेक्टेड जैसे राजस्थान हो गया, गोवा हो गया, राजस्थान के कांडला हो गया, वहाँ पर सोलर अलायंस दबा के काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास अलायंस इतने अच्छे नहीं हुए सोलर के कि हम उनसे पूरे देश को बिजली दे पाए। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब दिक्कत किस स्टेट को रही है जानते हो, जो स्टेट फ्री में बिजली बांटती थी जैसे दिल्ली है, दिल्ली फ्री में बिजली देती है, तो दिल्ली वालों को क्या हो गई थी, एक आदत लग गई थी कि जब बिजली का बिल आना ही नहीं है तो खूब दबा के AC चलाओ, लेकिन एक लिमिट तक। लेकिन अब क्या होता है कि अगर जरूरत नहीं तो भी चला सकते हैं क्योंकि बिजली का बिल उतना आना नहीं है। तो अब ऐसे में जो फ्री चीज़ें दी गई, अब देखा जा रहा है कि फ्री के चलते मिसयूज़ जो है वो ज़्यादा होने लगे। अब मिसयूज़ जब ज़्यादा होने लगे तो अब हमारे यहाँ पर पावर क्राइसिस होने शुरू हो गया। अब सोच के देखो, कोयला है नहीं और कोयला से बिजली बनती है, बिजली आप दे नहीं पा रहे हो और बिजली आपने फ्री कर दी, तो अल्टीमेटली लोग क्या करेंगे, बिजली को खूब जलाएंगे। और एक देखो सिचुएशन ऐसी नेगेटिव हो गई है, अभी तो चलो दिल्ली ने लगाया, मैं जानता हूँ कि कोयले की कमी दिल्ली की वजह से नहीं हुई है, बट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर चुनाव आ रहे हैं बीजेपी की, बीजेपी ने भी अभी एजेंडा अपना शुरू कर दिया कि हम भी आपको क्या देंगे, फ्री में बिजली देंगे। सोच के देखो UP, बिहार सब जगह अगर फ्री में बिजली 200 यूनिट कर दी गई है तो 200 यूनिट पर हेड के हिसाब से एक मीटर के ऊपर, तो सोचो ऐसे कितना ज़्यादा बिजली लोग फ्री फंड में बांटोगे। फ्री से क्या होता है, नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि लोग उसका मिसयूज़ करने लगते हैं, कहते हैं ना कोई चीज़ फ्री में मिल जाए तो उसकी कदर नहीं होती है, तो ऐसे में हमारे यहाँ पर पावर क्राइसिस देखने को बहुत मिल सकते हैं। तो ये कहा गया है इस आर्टिकल के अंदर कि आप फ्री बिजली तब दो जब आपको लगे कि आप बिजली के अंदर इतना सरप्लस प्रोडक्शन कर रहे हो कि बाहर एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हो बिजली का, तब आपको इतना बड़ा स्टेप यहां पर उठाना चाहिए था, उससे पहले ही स्टेप उठाना नहीं चाहिए था, क्योंकि अब आप देख लो इसके कॉन्सिक्वेंसेस 5 सालों के अंदर देखने के लिए मिल गए, क्योंकि अभी दिल्ली का ही केस है और दिल्ली से ही हमारे यहां पर क्या होने, पावर क्राइसिस होने शुरू। वैसे दिल्ली उसका रियल वो नहीं है, वो तो कोयला नहीं है, हम इंपोर्ट कर पा रहे इसलिए हो रहा है, बट अगर हर स्टेट ऐसा करने लगी तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इसका खामियाजा भारत को एक बार और भुगतना पड़ जाए। तो बोलो यहाँ तक की चीज़ समझ आई, चलिए इसके बाद ये हमारा एडिटोरियल सेक्शन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपने देखा आज हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे से एडिटोरियल्स आए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ये टूरिज्म को लेकर बोला गया, टूरिज्म बूस्टअप को लेकर बोला गया। अब आप जानते हैं भारत ना टूरिज्म के मामले में बाकी कंट्रीज़ को पीछा छोड़ते हुए चला जा रहा है और बहुत आगे जा रहा है। अगर हम बात करें 2013 के अंदर भारत की टूरिज्म में 65वीं पोजीशन थी, 2017 के अंदर 40th पोजीशन आ गई, 2019 के अंदर 34th पोजीशन आ गई। अब जैसे अभी तो कोविड चल रहा है, अगर ये कोविड ना चल रहा होता ना तो भारत 10 के अंदर तो बड़े आराम से आ जाता, लेकिन अभी भी हमारे पास सिचुएशन गई नहीं है, सिचुएशन आज भी हमारे हाथों में है। हमें भारत के अंदर टूरिज्म को और अच्छे से प्रमोट करना चाहिए। पता है क्या हुआ, जब से टूरिस्ट इंडस्ट्री हमारी बूस्टअप हुई तब से कई सारे लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया। आजकल लैंग्वेज कोर्सेज का बड़ा प्रचलन आ गया, क्यों, क्योंकि अलग अलग टाइप के लोग होते हैं घूमने के लिए आते हैं, उन्हें टूरिस्ट गाइडर चाहिए होता है अपनी लैंग्वेज के अंदर, और इंडिया की संस्कृति के बारे में भारतीय से अच्छा कोई नहीं बता सकता। तो ऐसे में अगर भारतीय लोग अलग अलग टाइप के इंटरनेशनल लैंग्वेजेस सीख जाते हैं, जर्मन, जापानीज या फ्रेंच, तो ऐसे में क्या होता है कि टूरिज्म सेक्टर तो इम्प्रूव होता ही होता है और साथ में इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। इनके साथ साथ जो होटल्स वाले उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, जो खाने पीने वाले होटल हैं, स्टे वाले होटल हैं उनको मिलती है, छोटे छोटे खुदरा व्यापारी हैं उनके माल बिकना शुरू हो जाता है, बाहर रेडी लगा के खड़े होते हैं, मतलब कई टाइप के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टूरिज्म हमें करके देता है। तो टूरिज्म हमारे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है।
चलिए इसके अगर अगर हम और आगे चलें तो यहाँ पर अपने पास फार्मर्स का प्रोटेस्ट है, मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, ठीक है। इन्फ्लेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताना कि एक अच्छी इन्फ्लेशन किस रेंज के अंदर होनी चाहिए। मैं आपको रेंज कई बार बता चुका हूँ, अब आप लोग बताओगे कि वो कौन सी रेंज है जिसमें इन्फ्लेशन होनी चाहिए तो ठीक है, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, मालाबार एक्सरसाइज कुड एक्सपेंड US एडमिनिस्ट्रेल। अभी क्या हो रहा है, मालाबार एक्सरसाइज जो दोस्तों आप जानते हैं क्वाड ग्रुप हमारा, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार क्वाड ग्रुप के बारे में। आप जानते हैं ये हमारा क्वाड ग्रुप में चार कंट्रीज आते हैं, नाम बिल्कुल आपको रट चुके होंगे, इंडिया, USA, जापान और बताओ चौथी ऑस्ट्रेलिया। ये चार कंट्रीज हैं जिन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया जिसको बोलते हैं क्वाड ग्रुप, देखने नहीं क्वाड डिटेल की तरह से। अब यहाँ पर क्या होती है, मालाबार एक्सरसाइज होती है, जैसे सी के अंदर जैसे नहीं होता 26 जनवरी होता है, उसमें क्या होता है अलग अलग टाइप के कर्तव्य करके दिखाए जाते हैं, इसी तरह से इनकी एक्सरसाइज होती है। फर्स्ट फेज़ जो है इनका अगस्त महीने में हुआ था, सेकंड फेज़ अब अक्टूबर में हो रहा है, मतलब कल ये हो चुका है और अभी चलेगा 2-3 दिन तक, 13 से लेकर लगभग 15 अक्टूबर तक चलेगा। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर हम क्वाड को अंदर, पहले क्या लग रहा था ना कि जब से अगस्त ग्रुप आया था तब से क्वाड की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन US ने यहाँ पर साफ साफ बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है कि क्वाड की वजह से US जो है वो सॉरी अगस्त की वजह से क्वाड पर उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि वो हेल्पिंग के लिए बनाए गए। अगर कोई चीज़ क्वाड नहीं कर पा रहा है तो उसको कौन कर लेगा, ऑगस्ट कर लेगा, लेकिन पूरी तरीके से हम क्वाड को निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो ये अच्छी बात है क्योंकि क्वाड के अंदर इंडिया भी उसका क्या है, एक मेंबर है। तो इससे क्या होगा, ये बेसिकली किसको काउंटर करने के लिए बनाया गया था, इंडो पैसिफिक में जो चाइना का दबदबा है, जो रीजन है वो बढ़ता जा रहा है, उसको काउंटर करने के लिए हमने क्या बनाया था, क्वाड ग्रुप बनाया था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करिए, एक आर्टिकल है गवर्नमेंट नोट फॉर फर्टिलाइजर सब्सिडीज, गवर्नमेंट क्या करिए जो सब्सिडीज होती है फर्टिलाइजर्स पर प्रोवाइड करवाती है। अच्छा आपने DAP का नाम सुना है, DAP का नाम आपने जरूर सुना होगा, DAP एक फर्टिलाइजर है जो कि फार्मर क्या करती है अपने खेतों पे छिड़काव करती है, ठीक है। DAP का मतलब होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है, ये DAP होता है। ये फर्टिलाइजर जो पहले 50 रुपये पर kg के हिसाब से मिलता था, गवर्नमेंट इसको रिलैक्सेशन सब्सिडाइज रेट पर देती है, क्योंकि अगर एक फार्मर करते टाइम अगर मान लो वो DAP वगैरह का यूज़ नहीं करता है तो फार्मिंग ढंग से नहीं हो पाएगी, और DAP यूरिया वगैरह बनाने में बहुत महंगा कॉस्ट आता है, तो गवर्नमेंट क्या देती है, इनको सब्सिडीज देती है, सब्सिडाइज रेट पर इनको प्रोवाइड कराती है, जिससे हर एक किसान की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, कम से कम आए। तो यहाँ पर यही बात चल रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये इंश्योर कर दिया कि आने वाले जो रबी की फसल आप जानते हैं सर्दियों में उगाई जाती है, तो रबी की फसल के लिए सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। ये एक आर्टिकल था। इसके बाद आगे चलते हैं, मोदी लॉन्च मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। अब क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात की जा रही है, क्योंकि देखो हमारे देश में ना इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्डअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतनी ज़्यादा इकॉनमी क्या करेगी, ग्रो अप करेगी। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, हो सकता है कुछ लोग ये समझ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बड़ी बड़ी लैंड और बिल्डिंग्स होता है, ऐसा नहीं होता, ये तो होता ही, इसके अलावा जैसे स्कूल्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, रोड की कनेक्टिविटी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, अगर इन साधनों को हम बढ़ाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी हमारा क्या हो चुका है, बिल्डअप हो चुका है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं ये हर कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। अभी ये कहा जा रहा है कि भारत के अंदर अभी बहुत जगह ऐसी है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बिल्ड नहीं हुआ है, तो इनको बिल्ड करने की यहां पर बात की जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के अंदर एक बहुत पॉजिटिव चीजें देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के साथ साथ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो क्या होगा, हमारा बूस्टअप होना शुरू हो जाएगा। तो ये बात यहां पर बोली गई है। इसके बाद जयशंकराचार्य जो है हमारे एक्सटर्नल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने क्या किया रशिया के साथ अपनी एक मीटिंग बुलाई, और उस रशिया की मीटिंग में क्या किया हुआ है कि इन्होंने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को बिल्डअप करने के लिए और भी ज़्यादा चीज़ें करने के लिए यहाँ पर एक खास मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई, ठीक है। कोई ज़्यादा खास आर्टिकल नहीं, छोटा सा था, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। इसके बाद अब गवर्नमेंट क्या अनाउंस करी है कि जो प्लास्टिक होता है इसको किस तरह से हम रिसाइकल कर सकते हैं, उसको लेकर बड़ी बड़ी मशीनरीज, बड़ी बड़ी सब्सिडीज और बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहाँ पर चलाने की बात की गई। देखो आज के ना वेस्ट जो वेस्ट है उसको डंप करना एक बहुत ही एक क्रूशल रोल हो चुका है हमारे लिए कि हम किस तरह से इस प्रॉब्लम को टैकल करें, क्योंकि रोजाना जो है मिलियंस ऑफ टन कह सकते हो प्लास्टिक जो है वो डंप की जाती है। अब कहाँ डंप करें यार, कितना गड्ढा खोद के कितनी चीज़ें डालो, प्लास्टिक तो वैसे भी मेल्ट नहीं होती है। तो अब ये कहा गया कि आने वाले समय के अंदर हम बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके रिसाइकल करेंगे इस चीज़ को, ताकि हम दोबारा इन चीज़ों को क्या कर सकें, यूज़ कर पाए, क्योंकि प्लास्टिक आज के में हमारे लिए बहुत ही एक जो है ना चिंता का विषय यहाँ पर बन चुका है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, PhD रिक्वायरमेंट पोस्टपोन टिल 2023। आपको पता ही होगा जो नेट UGC की तैयारी कर रहे हैं, नेट का एग्जाम देते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये बेसिकली क्या होता है कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेस्ट दिया
जाता है। तो अभी तक जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके आने से पहले क्या था कि आप सिर्फ नेट का एग्जाम दो और आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पर कर सकते हो। बेसिकली इसका क्राइटेरिया होता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन 55% मार्क्स होने चाहिए। तो जिससे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किए उस सब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हो, अपना नेट UGC कर सकते हो। बाकी पहले जो 10 सब्जेक्ट होते हैं वो कॉमन होते हैं, नेक्स्ट जो 2 सब्जेक्ट होते हैं वो स्पेसिफिकली आपके कोर्स से रिलेटेड होते हैं। तो नेट UGC का एग्जाम कंडक्ट कराती थी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता था, लेकिन नई इकोनॉमिक पॉलिसी 2021 के अंदर लिखा था कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको PhD करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर दिया था, लेकिन गवर्नमेंट 10 दिन बाद इस प्रोग्राम को वहीं पर बंद कर दिया और ये कहा कि अगर आज चाहते हो, क्योंकि कोविड पैंडेमिक चल रहा है, 2 साल लोगों के ऐसे खराब चले गए, तो इसलिए 2 साल का रिलैक्सेशन यहाँ मिल गया। 2023 तक अगर आप नेट UGC का एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आप कॉलेज में प्रोफेसर लग जाओगे बिना PhD के भी, लेकिन 2023 के बाद से PhD करना कंपलसरी हो जाएगा। तो 2 साल कोविड पैंडेमिक यहाँ पर रिलैक्सेशन दे देगी 2021 से लेकर 2023 तक की, ये बात यहाँ पर UGC के द्वारा की गई है, ठीक है। बाकी एंटिसिपेटरी बेल है, ये मैं आपको बताऊंगा, एक बेल को लेकर होता है। जैसे कोई इंसान होता है, अगर मान लो वो मर्डर कर दे, तो मर्डर करने टाइम पर पुलिस जब तक उसको हिरासत में लेगी उससे पहले अगर हम बेल एप्लीकेशन दे दें तो उसको बेल मिल सकती है। तो जो लोअर कोर्ट होती है वो बड़ी कोर्ट को ये राइट दिया गया है कि वो एंटिसिपेटरी बिल को यहां पर लॉन्च कर सकती है। ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमारे एग्जाम से उतना ज्यादा रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब आप जानते हो ये तालिबानी जो लोग हैं जो हमारे यहां पर क्या कर रहे हैं, अफगानिस्तान को कैप्चर करके बैठे हुए हैं। अब इन लोगों को क्या चाहिए, इन लोगों को इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अभी तक तो ये था कि इनको कैप्चर करना है। अब क्योंकि ये पूरी तरह से कैप्चर कर चुके हैं, अब इनको क्या चाहिए, फंड चाहिए। अब पैसे तो मिल नहीं पा रहे हैं, ज़्यादा पैसा मिल नहीं पा रहा जिससे ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को बिल्ड कर पाए। तो अब इन्होंने क्या किया, यूरोपियन यूनियन। अब आप मुझे बताओ यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्री है, 200 पहले 28 कंट्री थी, अब 27 कंट्री हो गई, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, चलो मैंने इसका आंसर दे दिया 27 कंट्री, मुझे अब बताओगे कौन सी कंट्री है जिसने 2020 के अंदर यूरोपियन यूनियन से एग्जिट ले लिया, और दूसरा मुझे बताओगे यूरोपियन यूनियन जो है वो कब बनाया गया था, ठीक है, ये बताओ, और इनकी कौन सी करेंसी, ये भी बता देना, ठीक है। अब इन्होंने यूरोपियन यूनियन और इवन US के प्रेसिडेंट डायरेक्टली, इन्होंने प्रेसिडेंट नहीं बोलना चाहिए बल्कि US के जो आर्मी कॉर्प्स पर्सन है उनसे बात की है, और डायरेक्टली इन लोगों ने फेस टू फेस बात की है और ये कहा है कि आप हमारी हेल्प करिए हमारे देश को डेवलप करने के लिए। तो यहां पर अब देखो तालिबानी नो डाउट बहुत खराब चीज है, बट क्या करें, हमें वहां पर रहने वाले लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सारी कंट्रीज हैं इनको फाइनेंशियली हेल्प देने की यहां पर बात की गई। तो इनकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई उसके अंदर क्या हुआ, जो ब्रुसेल्स है उन्होंने प्लेज किया है कि वो आने वाले समय के अंदर $1 बिलियन इनको यहां पर अफगानिस्तान को लोन प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि वो अपनी इकोनॉमी को सुचारू रूप से चला सके और वहां पे रहने वाले लोगों को एक ह्यूमन राइट्स वहां पर प्रोवाइड कराए जा सके, ठीक है, ये बात यहाँ पर चलिए। इसके बाद ये फ्रांस की बात चलिए, फ्रांस जो है $35 बिलियन जो है वो अपनी रिवाइवल प्लान के थ्रू लगाएगा, मतलब फ्रांस के अंदर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उन पर ये $35 बिलियन ये खर्च करेगा। चाइना ने ये बोला है अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए इन्होंने 233 मिलियन फंड का एक पूल बनाया है। मैं आपको बता दूं चाइना अब बहुत ज़्यादा कंसर्न हो चुका है क्लाइमेट एक्शन को लेकर, क्योंकि चाइना को पता चल गया है क्लाइमेट जो है वो दिन पर दिन हमारा खराब होता जा रहा है, तो इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चाइना ने साफ साफ बोला है कि आने वाले समय के अंदर हम एक फंड बनाएंगे, यानी एक गुल्लक बनाएंगे जिसके अंदर कितने रुपये डालेंगे, $233 मिलियन डालेंगे, और ट्यूजडे को उन्होंने ये प्लेज यानी कसम खा ली $233 का यूज़ हम क्लाइमेट एक्शन प्लान के लिए यहाँ पर करेंगे जिससे हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पर बचा सकें। और 2030 तक हमारा एजेंडा है कि आने वाले समय के अंदर हम अपने ओशंस को और जो ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट हो रहे हैं उसको कुछ लेवल तक क्या कर सके, कम कर सके। दोस्तों मेरा क्वेश्चन आपसे, जैसे जो ओजोन डिपल्शन होती है, ओजोन लेयर में छेद हो जाते हैं, तो वो किन किन गैसों के कारण होते हैं और हमारे ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस आते हैं। नो डाउट दोस्तों आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे, बट क्वेश्चन पूछना जरूरी है, नहीं तो आप चीज़ें भूलना शुरू कर दोगे, इसलिए क्वेश्चन बोलता हूँ, आप कमेंट करके मुझे कमेंट किया करो, ठीक है। चलिए इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सी का लेवल है वो धीरे धीरे राइज करना शुरू हो चुका है। कई सारी रिसर्च जो है वो ये बोलती है कि एशिया पैसिफिक के अंदर जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होना शुरू हो चुके हैं। पता है दोस्तों जब मैं बचपन छोटा था तो मैं क्या सोचता था कि ग्लेशियर मेल्ट हो रही है तो अच्छी बात है, हमारे यहाँ पर पानी की कमी है तो पानी खूब सारा हो जाएगा। लेकिन अब मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि दोस्तों ग्लेशियर पिघलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ग्लेशियर जितना ज़्यादा पिघलेंगे, ये ऐसा तो नहीं है आपके घर की बर्फ़ पिघल रही है और थोड़ा सा पानी होगा, ये पानी के लेवल को बढ़ा देगा, यानी सी का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे जो हमारे जैसे अंडमान निकोबार वाले इलाके हो गए या जो हमारा तमिलनाडु केरला और ये जितने भी हमारे कोस्टल इलाके हैं ना, कोस्टल स्टेट्स हैं, ये सारे डूब जाएंगे पानी में। हो सकता है पूरी दुनिया ही पानी
पानी में डूब जाए, इतना ज़्यादा पानी हो जाए। तो इसलिए ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह से हम कार्बन एमिशन करते जा रहे हैं, जो ग्रीन हाउसेस गैसेस का जो कंपोजिशन है वो बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से हर दिन अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, जो आइस है वो मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, और जब वो मेल्ट होगी तो क्या होगा, ग्लेशियर जब मेल्ट होंगे तो वाटर में कन्वर्ट होंगे, और वाटर से क्या होगा, जो हमारे ओशंस का जो लेवल है, जो सी लेवल है वो बढ़ेगा, जिसमें छोटे छोटे इलाकों में बाढ़ जैसी समस्या है, और जो हमारे आइलैंड्स है वो डूबते हुए हमें नजर आएंगे, और लैंड धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। इसको लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न जताया गया। और दोस्तों आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि इस टाइप की सिचुएशन ना हो, इसलिए हमने क्या बनाया अपने पर क्लाइमेट एक्शंस पर कई सारे एक्शंस है, यूनाइटेड नेशन है, इवन UNFCCC यूनाइटेड नेशन ऑन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज भी बनाया, जिसके अंदर कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज की मीटिंग होती है, कई सारे एग्रीमेंट्स इंटरनेशनल एग्रीमेंट किए हुए हैं। तो ये सारे एग्रीमेंट किस लिए किए गए, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट के अंदर जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं इनको रोक सके, इवन जो पॉल्यूशन लेवल है उसको क्या कर सके, यहाँ पर कम कर सके। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम आगे चले तो IMF ने इंडिया की प्रोजेक्टेड ग्रोथ में जो है थोड़ी सी कमी की और कहे कि 9.5% तक यहाँ पर होगी। दोस्तों ये डेटा हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है, इसलिए आपको डेटा अभी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद और इसमें जैसे गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम जो कोल है उसको इम्पोर्ट करेंगे अलग अलग कंट्री से, जिससे कि जो हमारी पावर क्राइसिस चल रहा है इस क्राइसिस को इससे दूर किया जा सके। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ कि आज के डेट में निफ्टी के अंदर कौन कौन से वो 50 कंपनियां जो कि यहाँ पर कवर होती है। तो कौन कौन सी, अडानी पोर्ट, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, BPCL, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला इंडिया, कोल इंडिया, डेविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर, ग्रासमिन इंडिया, SCL टेक, HDFC बैंक, HDFC लाइफ, हीरो मोटोकॉम कॉर्पोरेशन, हिंडल कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICICI बैंक, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस बैंक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ITC, GHW स्टील, कोटेक बैंक, L&T, M&M, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, NTPC, ONGC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, SBI लाइफ, स्टेट बैंक, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, UPL और विप्रो, ये 50 कंपनियां जो निफ्टी में कवर होती है। मुझे आप बताओगे सेंसेक्स में कौन कौन सी कंपनीज कवर होती है, कौन कौन सी नहीं बतली कि कितनी कंपनीज कवर होती है, नंबर्स आप मुझे बताओगे। ठीक है, एक्सचेंज रेट की अगर हम बात करें तो एक्सचेंज रेट में $ हमारा 75 रुपीज़ का है, यूरो 87 रुपीज़ का है, ब्रिटिश पाउंड 102 रुपीज़ का है, जापानीज एन 66 रुपीज का है, और चाइनीज जो है हमारा 11 रुपए का है। ठीक है, तो और यही जो पांच करेंसीज होती है हमारी स्पेशल ड्रॉइंग राइट, जो कि 1964 के अंदर IMF के द्वारा लॉन्च की गई, जिसमें पांच बास्केट ऑफ करेंसी क्या होती है, यहां पर कवर होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।